بسم الله الرحمن الرحيم. These lectures are of Federal Board HSSC Part 2. इन लेक्चर्स के अंदर हम फिजिक्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, अकॉर्डिंग टू केपीके फेडरल बोर्ड बुक. So our first chapter in this book is electrostatics. Electrostatics के अंदर हमें डिस्कस करना है कई सारे electrostatics के form phenomenas को, okay? और basic laws को. तो इसके अंदर हम काफी सारी discussion करेंगे charges के बारे में, flux के बारे में, कुछ laws हम discuss करेंगे. Right. Let us start about what is charge. Charge kya hai? An electric charge is a property of matter where it has more or fewer electrons than protons in its atom. Charge aapke paas ek property hai matter ki, sahi hai? जहां पे आपके पास एक्सेस हो जाए या तो इलेक्ट्रॉन की या तो फिर प्रोटॉन की, ओके? क्योंकि चार्ज के बारे में हम सिर्फ यही जानते हैं कि चार्जेस आर ऑफ टू काइंड्स, फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन कैरी अ नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन कैरी अ पॉजिटिव चार्ज. यानी दो जो चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर आपके पास दो चार्जेस आ रहे हैं वो दो ही वजहों से हैं, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से या फिर प्रोटॉन की वजह से. तो इलेक्ट्रॉन्स के पास अपना जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है. मैटर इज पॉजिटिवली चार्ज इफ इट कंटेन्स मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन्स. कोई भी मैटर, ओके, अगर वहां पे एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है तो वो कहलाएगा पॉजिटिवली चार्ज मैटर, सही है? और अगर वो नेगेटिवली चार्ज है, ओके, तो मैं कहूंगा यहाँ पे पॉजिटिव से ज्यादा, प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ओके? और सिंबलाइज करने के लिए हम नॉर्मली इसको इस तरह से नोट करते हैं. यानी ये कोई भी मैटर है पॉजिटिव और नेगेटिव जिसमें चार्ज है, यानी इसमें एक्सेस है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की. What is the characteristics of charges? Or obviously आपके पास एटम, क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इमिट होते हैं वो, या आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस आते हैं तो एटम्स के थ्रू ही आते हैं. तो सबसे पहले तो what is atom, और एटम क्या चार्ज पार्टिकल है या चार्ज कह सकते हो कि मैटर है? नहीं, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली उसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बैलेंस हुए हुए होते हैं. इन SI यूनिट चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, ओके. द चार्ज कैरीड बाय एन एलिमेंट्री पार्टिकल इज रिटन एज ई एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, ओके. तो आफ्टर कैलकुलेशन आपको पता चला कि एक सिंगल चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, वो कम से कम या कॉन्स्टेंटली जो वैल्यू होती है वो 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम की होती है. यानी मैं अगर सिंगल चार्ज किस तरीके से पिक कर लूं तो वो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा होगा, यानी कि इस वैल्यू पे उसकी वैल्यू आएगी. ये एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन की वैल्यू है, सही. चार्ज इज क्वांटाइज mean it's only present in discrete manner, okay? तो discrete manner का मतलब आपको पता है कि अगर आपके पास charge जो हैं, यानी कि charge हमेशा हम अलग अलग ही note करते हैं. For example, ये जो charge मैं यहाँ पे draw कर रहा हूँ, तो ये discreteness है. Charge कभी भी एक साथ मिले जुले नहीं होंगे, हम उनको अलग अलग ही पढ़ेंगे. कम से कम इस chapter के अंदर तो हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे, सही है? तो ये डिस्क्रीटनेस है. कंटीन्यूअस क्या होगा? कंटीन्यूअस में आपके पास होता है कि आपके पास जस्ट लाइक कंटेनर भरा हुआ है पानी से,
और वो मैं कहूँ भाई ये पूरे चार्जेस हैं, तो वो कंटिन्यूस है, आप नहीं बता सकते कि कहाँ पे कितना चार्ज है। तो हम जब चार्ज को इंडिविजुअली पढ़ते हैं तो भाई हम डिस्क्रीट मैनर में, क्वांटाइज मैनर में पढ़ेंगे। ओके ओके, तो चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। वी कैन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बाय यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू एन ई। व्हाट इज क्यू हियर? क्यू इज बेसिकली टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड ई इज मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज व्हिच इज रिटन ओवर हियर, व्हिच इज रिटन ओवर हियर। सही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। एवरी टाइम यू पुट ई, इवन के अगर पॉजिटिव हो इवन ये नेगेटिव हो। सही है भाई। एंड व्हाट इज एन? इट इज नंबर ऑफ चार्जेस, कि कितने चार्ज आपने पुट किए, 1100 या 2 3। ओके, तो यहां से आपको टोटल चार्ज, टोटल मैग्नीट्यूड मिल जाएगा कि एक कंटेनर के अंदर मैंने चार्ज रखे हुए हैं, तो जरा मुझे बता दें कि इसके अंदर कितने चार्ज, यानी ये कंटेनर कितना चार्ज है। फॉर एग्जांपल, एक कंटेनर है मेरे पास और मैंने इसमें इनफाइनाइट मैनी, या इनफाइनाइट तो नहीं, काउंट नहीं कर पाऊंगा, मैंने 1000 चार्जेस यहाँ पे रखे हैं। नंबर ऑफ चार्जेस मैंने कहा भाई 1000 है इस बॉक्स के अंदर। ओके, और ईच चार्ज ऑल नो के 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम के बराबर ही होता है। तो आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? नंबर ऑफ चार्ज इज 1000 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? इट इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। तो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो क्यू इक्वल टू एन ई का आंसर होगा, जो आपके पास टोटल मैग्नीट्यूड आ जाएगा इस पूरे बॉक्स का। सही है भाई। तो इस बॉक्स पे कितना चार्ज है वो आपके पास क्यू हो जाएगा। ओके, वन थिंग मोर के ई कुड बी पॉजिटिव, ई कुड बी नेगेटिव। ओके, तो ई नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, ई पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन। सही, बट देयर विल बी नो चेंज इन वैल्यू। इट इज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। हाँ, अगर मुझे इसको अलग दिखाना होगा तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दूंगा, मैं कहूंगा ये इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे इसको अलग दिखाना होगा तो मैं प्लस साइन लगा दूंगा, मैं कह दूंगा ये प्रोटॉन है। इसके अलावा कोई चेंज नहीं आता, और हम नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव साइन को न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज भी नहीं करते। ये जस्ट इंडिकेशन है व्हाट इज द चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। Now, the important part of electrostatic is its law, which is Coulomb's law. What Coulomb's law tells us? Statement देख लेते हैं। The force of attraction or repulsion between two static point charge is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. First of all, it is a force. Okay? It is a force of attraction or repulsion. Okay? It means ये आपके पास F है, सही है? Force, it is F. सही है भाई? It is a force F between two static point charges. ये दो point charges के दरमियान की force है, चाहे वो attractive हो या repulsive हो। Okay, और हमें पता है attractive कब होगी? जब आपके पास दोनों charges oppositely charged हो, और repulsive जब वो same charge के हो। तो between two static point charges, सही है? तो ये force है दोनों के दरमियान की, which is directly proportional. हम proportionality उस वक्त लगाते हैं जब हमें पता हो कि इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा दूसरी क्वांटिटी पे। तो इट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मतलब चार्ज वन और चार्ज टू को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका प्रोडक्ट बनेगा, जस्ट लाइक दिस
यहाँ पे दो चार्जेस आपके पास हैं, एक तरफ आपके पास अपोजिट चार्ज है, एक तरफ आपके पास सिमिलर चार्जेस, तो इनके दरमियान की लगने वाली जो फोर्स है वो आपके पास एफ है, ओके। और इस फोर्स को आप अट्रैक्टिव या रिपल्सिव देख सकते हैं दोनों कंडीशन में। ये जो डिपेंड कर रहे हैं क्यू वन और क्यू टू के, किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट के ऊपर। एफ इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सही है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू, ओके। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, फोर्स, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। बीच में जो डिस्टेंस है, इनका डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ पे, इनके दरमियान में, इनके दरमियान का डिस्टेंस आर है, ओके। और हम इसको इनवर्स लेंगे स्क्वायर के साथ, तो ये आपके पास बेसिकली कूलम्स लॉ है, ओके। बात समझ में आती है, ओके। नाउ स्टेटमेंट के बाद अब हम बात करेंगे डेरिवेशन की। सो मैथमेटिकली कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस क्यू वन क्यू टू प्लेस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ बिटवीन देम विल बी। सेम डायग्राम इस्तेमाल करने की वजह यह कि आपने जिस डायग्राम से स्टेटमेंट समझी है उसी डायग्राम को आप यूज करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने के लिए। एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू, ओके, ये हमने समझा। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वन ओवर आर स्क्वायर, ये हमने समझ लिया स्टेटमेंट में। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल्स टू आता है और साथ में एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को यहाँ पे हमने के नोट किया हुआ है। व्हाट इज के, तो के इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, सही, एंड इट्स वैल्यू इज डिपेंड ओवर द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के दरमियान में मीडियम क्या है, एयर है, कोई डायलैक्ट्रिक रखा है या वैक्यूम है, ओके, तो इट इज के। और इट इज ऑल्सो नोन एज कूलम्स कॉन्स्टेंट, ओके। सो इफ अ मीडियम इज फ्री स्पेस, ओके, अगर मीडियम आपके पास फ्री स्पेस है दो चार्जेस के दरमियान, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन के, वो हो गई आपके पास k इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू बाय कूलम्स, ओके। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन हियर, so epsilon is permittivity of free space, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 exponent minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ओवरऑल जो वैल्यू है k की वो 9 exponent 9 है न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, ओके। यहाँ पे हम यूनिट की बात करते हैं, हमने यूनिट ड्राइव कैसे किया, तो यूनिट ड्राइव करने का सबसे आसान तरीका, आप एक्चुअल इक्वेशन लें और जिस इक्वेशन में से जो वैल्यू को आपको यूनिट बनाना है उसको अलहदा कर कर बाकी सारे वैल्यूज की यूनिट को आप लिख लें, तो वो उस पर्टिकुलर चीज का यूनिट हो जाएगा। जैसे हमने के का यूनिट निकाला है, इन द एंड ऑफ दिस स्लाइड मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको फाइंड आउट करना है। सो मैंने पुट कर दिया के की जगह पे 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपके पास एक नई इक्वेशन बन गई। और इसको वेक्टोरियल फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टोरियल फॉर्म में बनाने के लिए जस्ट आपको एक चीज की जरूरत होती है, वो है यूनिट वेक्टर। तो आप यूनिट वेक्टर को ऐड करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए किसी भी क्वांटिटी के साथ, वो वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और आर इज द यूनिट वेक्टर स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ, स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, मैंने जैसे ये बताया था, बोला था कि मैं आपको डेरिवेशन बता दूंगा कि किस तरह से यूनिट को करना है, तो भाई आपके पास फोर्स है, यहाँ पे सामने फॉर्मूला नजर आ रहा होगा फोर्स का, मुझे यूनिट चाहिए के का। बेसिकली ये जो यूनिट है आपके पास के का यूनिट है,
ये के है आपके पास, ये हिस्सा के है आपके पास, मुझे चाहिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, के का यूनिट चाहिए ना भाई मुझे, तो के को यही रहने दीजिए इस पूरे बॉक्स को, बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो मैं कर देता हूँ उसको शिफ्ट, तो शिफ्ट करने के बाद के तो इस तरफ रह जाएगा बेटा, आर स्क्वायर डिवाइड में है, उधर जाकर आर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से आर को उठा के वहां ले जाऊं तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो आर हो जाएगा मल्टीप्लाई कहाँ पे, एफ के साथ, आर हो जाएगा एफ के साथ मल्टीप्लाई यानी आर स्क्वायर, ठीक है ना भाई, आर हो गया मल्टीप्लाई। और Q1 Q2 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो भाई यहाँ आके डिवाइड में F के साथ अपॉन में आ जाएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा आपके पास Q1 एंड Q2 इसके डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है भाई। फोर्स का यूनिट भी मुझे पता है, आर इज डिस्टेंस तो डिस्टेंस का यूनिट भी पता है, और क्यू, क्यू का यूनिट ये चार्ज है हमने पहले ही पढ़ लिया है कूलम, तो जरा हम इसको एक एक करके लिख लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो आपने बताया सर न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर, इट इज डिस्टेंस तो मीटर होगा, तो मीटर और डिस्टेंस का स्क्वायर हुआ हुआ है तो यहाँ पे भी मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, तो कूलम है बेटा, चार्ज के अभी वैल्यू नहीं लिखी हुई तो हम इसको कूलम इनटू कूलम यानी कूलम स्क्वायर पढ़ सकते हैं, तो ये भी आपके पास हो जाएगा कूलम स्क्वायर, ओके। तो यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। तो आप गौर करेंगे कि हमें जो डिजायर्ड यूनिट चाहिए था वही बना है, सही, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। तो हर यूनिट को ऐसे ही ड्राइव करना है जो अननोन क्वांटिटीज होंगी उनके लिए, बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, अब अगर मैं डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दूं दो चार्जेस के दरमियान तो क्या होगा, तो के की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, तो दिस टाइम मैं रख रहा हूं कोई मीडियम, तो उस मीडियम को मैं एप्साइलॉन एम से डिनोट करूंगा, तो के की वैल्यू हो जाएगी 1 ओवर 4 पाई एप्साइलॉन एम। एप्साइलॉन एम इज परमिटिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, ओके। अब यहां पे एक सपोजिशन करनी होगी, that suppose के epsilon r is relative permittivity about between free space and between dielectric, तो ये आपके पास ratio है किसका, dielectric के दरमियान और vacuum के दरमियान relative permittivity, so e epsilon r is equal to epsilon m over epsilon naught। तो अब मैं epsilon m निकालना चाह रहा हूँ तो आपके पास value क्या हो जाएगी, epsilon m is equal to epsilon r into epsilon naught, okay। Now we can convert equation 1 or we can put epsilon m in equation 1, तो आपके पास k की value एक नई तरीके से नजर आएगी, k equal to 1 over 4 pi epsilon r epsilon naught, okay, any relative permittivity and permittivity at free space। So the equation 3 will have the form, यानी equation 3 आपके पास जो equation थी force की, तो वो कुछ इस तरह की नजर आने लगेगी आपको, F equal to 1 over 4 pi epsilon r epsilon naught Q1 Q2 over r square, okay। तो यहाँ पे हमारा जो topic है वो wind up हुआ, okay। हमने आज जो discuss किया वो कूलम के बारे में किया, कूलम law के बारे में discuss किया, और charges को हमने discuss किया, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।